क्या आप इसमें यह बता सकते हो मेरे भाई, एक क्वेश्चन इसी के साथ आया था कि जो मैराथन की दौड़ होती है वो कितने मील की होती है? बड़ा आसान सा, आपके कमेंट वगैरह मैं देखता रहूंगा। एक आया था मेरे भाई जो बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई होती है। ये तीनों क्वेश्चन एक ही वर्ष जीडी के पेपर में आए कि नेट की ऊंचाई कितनी है तो आपको यह भी बताना है, मैराथन की दौड़ कितनी होती है यह भी बताना है। सर यदि नेट की ऊंचाई की बात की जाए तो 1.59 मीटर होती है, 1.59 मीटर होती है, और अगर दौड़ की बात की जाए तो मैंने चूंकि मील में पूछा था तो मील में कितना हो जाएगी, 26 मील 385 गज, 26 मील हो जाएगी और 385 गज हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन कर्णम मलेश्वरी, सी ऑप्शन कर्णम मलेश्वरी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था यह भी जरा बताइएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, फ्लैग कमेटी का अध्यक्ष कौन था। ये तीन समितियां आपके सामने मैंने लिख दिया, इनके अध्यक्ष का नाम बताइएगा। सर मैं एक बात बताऊं, देखो यार राष्ट्रीय ध्वज को हम लोगों ने कब एक्सेप्ट किया वो भी जरूरी है। एक यार यहां पे और लिख देता हूं, राष्ट्रगान, ठीक है ना, राष्ट्रगान को कब एक्सेप्ट किया और राष्ट्रगीत को कब एक्सेप्ट किया यह भी बताना है। सर यदि राष्ट्रगान की बात करें तो 24 जनवरी 1950, जबकि देखो तुम लोग का कमेंट कितना धीमे आ रहा है, और 26 जनवरी। राष्ट्रगान मेरे भाई 24 जनवरी और इसको 26 जनवरी। यदि भाई झंडा समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए जेबी कृपलानी तो वो गलत है, जेबी कृपलानी गलत है। प्रारूप समिति मेरे भाई मेरे दोस्त भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर जी। और अध्यक्ष कौन थे तो पूरे संविधान सभा के भी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और क्वेश्चन का आंसर सही है 22 जुलाई 1947, ठीक है ना, 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन पे आइए, गूगल क्रोम किसका एक उदाहरण है। अच्छा आप में से कितने लोग गूगल का उपयोग करते होंगे, कई लोग तो सिर्फ इसका उपयोग रात में ही शुरू करते हैं। भैया दिन में भी इसका उपयोग शुरू करो और अपनी पढ़ाई को एक नया दिशा दो। कई लोग पिक्चर देखने में, वेब सीरीज देखने में अपने आप को बर्बाद किए जा रहे हैं, या फिर यूट्यूब के जो छोटी छोटी हंसी मजाक वाली क्लिपिंग है उसको देखते हैं। अरे यार कोई लेक्चर देख लो। तो गूगल क्रोम का उपयोग जो इसका आंसर होगा मेरे भाई क्या है, गूगल क्रोम किसका उदाहरण है, सर एक वेब ब्राउजर है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि अच्छा क्या जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड एक बार पूछा था कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, ठीक है ना, प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। उसके अलावा कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, WWW की खोज किसने की थी, इन तीनों का जरा आंसर करके बताओ। तो आप कहोगे सर WWW की खोज की थी टीम, ये टीम लिखा है टीम ब्रंस ली ने। चलिए सर इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, चलिए वर्ल्ड वाइड वेब। सर प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, किसी को याद है कोई स्टूडेंट सिद्धार्थ, तो भैया उनकी जय जयकार कर दो। सर पितामह किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है ना, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के 7 समुद्र तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अच्छा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, जरा यह बताइएगा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम। साथ ही साथ मेरे दोस्त इंग्लिश चैनल पार करने वाली, ये किसका है, 7 समुद्र ना, तो सर इंग्लिश चैनल पार करने वाली यहां पे लिख दे रहा हूं इंग्लिश चैनल, ठीक है ना, इंग्लिश दारू नहीं लिख रहा हूं, नहीं कई लोग इंग्लिश दारू समझ के लेके बैठे रहे। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली कौन है, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली और 7 समुद्र पार करने वाली है बुला चौधरी। अब देख लो इसमें से कई लोग आरती साहा को टिक किए होंगे, भैया हर चीज में आरती साहा नहीं आएंगे। एक बार आपके कमेंट वगैरह में देखूं तो यार बिल्कुल बहुत सही, आरती साहा तो यार इंग्लिश चैनल पार की थी ना, इनको जिनको सोच रहे हो वो इंग्लिश चैनल, ये तो बछेंद्री पाल हुआ करती थी ना, और बुला चौधरी ने ये कारनामा किया था सन 2005 में, ये बात भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी। एक्चुअली ये होगा दास कैपिटल, ठीक है ना, दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आप कह दोगे सर
दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, इनका दिया गया स्टेटमेंट दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इनकी बुक दास कैपिटल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाते हैं दोस्त, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ऐसा एक क्वेश्चन जीडी में पूछा था कि दांडी मार्च में, देखो दांडी मार्च में कितने लोग थे। एक मेरे भाई अशोक मेहता समिति बनी थी, मतलब पर्सन नंबर से अशोक मेहता समिति जो कि पंचायती राज पे बनी थी, उसमें कितने सदस्य थे। उसके अलावा मेरे भाई एक जो आपका आया था, ये क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन, ठीक है ना, साइमन कमीशन जो आया था भारत में, उसमें कितने सदस्य थे। एक मेरे भाई आपसे पूछता है कि वो क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। सिर्फ सदस्य सदस्य से चार क्वेश्चन पूछता है। अब जिसको याद होगा वो बता देगा कि सर अशोक मेहता समिति में 7 सदस्य थे, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, दांडी मार्च में 8। एक देख रहे हो, सातों जन्म का नाता आपके साथ जोड़ करके ये बैठा हुआ है। तो मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा हूं, हालांकि अशोक मेहता में बाद में 13 हो गए थे, लेकिन शुरू में 7 सदस्य ही हुआ करते थे। ऐसे ही नंबर वाले और क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 284 होगा, ठीक है ना, 284। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रगान को घटक विधानसभा द्वारा, घटक वर्ड नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, यहां मतलब जो संविधान सभा, ठीक है ना, यहां पे आपका आ जाएगा संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, जरा बताइएगा। राष्ट्रगान को, सर राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950, अभी 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया था। क्या, राष्ट्रगीत अपनाया गया था। अच्छा, राष्ट्रगान का फुल वर्जन कितने सेकेंड का होता है और शॉर्ट वर्जन कितने सेकेंड का होता है। यदि आप राष्ट्रगान को गाना चाहें तो सेकेंड में बताओ कि उसका फुल वर्जन कितने सेकेंड का होता है और उसका शॉर्ट वर्जन कितने सेकेंड का होता है, जरा ये जुड़ करके बताओ। तो आप कहोगे सर अगर इधर गाना है तो 52 सेकेंड कर दीजिए और ऐसे सर इसका 20 सेकेंड, तो मिनिमम वर्जन है 20 सेकेंड और मैक्सिमम कितना है मेरे भाई, 52 सेकेंड। अगला, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारा स्थापित की गई थी, जरा बताइएगा। सर यदि हम लोग बात कर दें कि लैंड होल्डर सोसाइटी, यार तुम लोग थोड़ा सा ना क्वेश्चन को वो करने में दिक्कत कर रहे हो कि थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हो। लैंड होल्डर सोसाइटी सर द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा, अच्छा भारत की पहली राजनीतिक पार्टियों में से एक, हालांकि ये जमीन जायदाद से मतलब रखती थी, लेकिन लैंड होल्डर सोसाइटी कांग्रेस से भी बहुत पुरानी है, 1837 के समय है, ठीक है ना। अच्छा मैं कुछ संस्था लिखता हूं, जैसे HRA, इसकी स्थापना कब हुई, HSRA, इसकी स्थापना कब हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई, मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब हुई, नौजवान सभा, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, ठीक है ना। अब देखो किसको किसको याद आता है, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। इनके आपको ईयर लिखने हैं, जिनका आपको फुल फॉर्म नहीं याद होगा मैं बताऊंगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड और नौजवान सभा। अब जरा ये करके दिखाओ तो मैं कहूंगा सर HRA 1924 में कानपुर में बनी थी, सर HSRA 1928 में नई दिल्ली में बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम ने बनाया था, मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में बना था, स्वराज पार्टी 1923 में आपके पंडित मोतीलाल नेहरू और C.R. दास ने बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में आपके चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाया, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था, और नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह जी ने बनाया था। तो आपको ये सारी चीजें मेरे भाई याद रखनी पड़ेंगी, तब जाकर के GD निकलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कपास के समान है, बताइएगा कौन सी कपास के समान है। तो भैया सूती वस्त्रों की राजधानी, ये क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा आता है, सूती वस्त्रों की राजधानी हम लोग किस जगह को कहते हैं,
एक ये, अगर कपास की बात कर दोगे तो कपास की खेत को रयान कहा जाता है। कपास की खेती दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय ही शुरू हो गई थी। लेकिन सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ठीक है ना, मैनचेस्टर, ठीक है ना, मैनचेस्टर किसे कहा जाता है यह भी आपको बताना है। अब जरा एक बात समझना, ऐसे क्वेश्चंस की बौछार रहती है जीडी और एमटीएस के पेपर में। तो सर अच्छा इसी तरीके से आपसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी पूछ देगा, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन? सर पहले सूती वस्त्रों के राजधानी की बात करें तो मुंबई, कानपुर और कोयम्बटूर, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, ये लिख दे रहा हूं, नहीं तो दोनों के हो जाएंगे, फिर तुम लोग कहोगे कि सर कंफ्यूज, ठीक है ना। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, याद रहेगा सभी को, कोई दिक्कत यहां पर चलिएगा। एक बार थोड़ा सा यार शेयर करके आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा नगरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन थी? अच्छा सर, यदि दोस्त हम लोग हड़प्पा नगरों की महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें, हड़प्पा के प्रमुख देवता का नाम क्या था, हड़प्पा की लिपि क्या हुआ करती थी, हड़प्पा में ये लोग क्या लिपि क्या हुआ करती थी, उसके अलावा हड़प्पा का सर समाज कैसा था, हड़प्पा के समय सर सभ्यता कैसी हुआ करती थी, ये चार पांच क्वेश्चन हम लोग रिलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे क्वेश्चन का एकमात्र उद्देश्य होता है कि एक क्वेश्चन पांच जानकारी। आइए थोड़ा समय देके समझते हैं मेरे भाई। सर हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख देवता हुआ करते थे वो थे पशुपति नाथ जी, ठीक है ना, पशुपति नाथ जी। सर इनकी लिपि को हम लोग, या फिर सर हम लोग क्या कहते हैं, भाव चित्रात्मक, मतलब पिक्टोग्राफिक, भाव चित्रात्मक, ठीक है ना। इनके समय सबसे ज्यादा यू अक्षर का प्रयोग हुआ है। एक ये क्वेश्चन भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय वर्तमान के किस अक्षर का प्रयोग मिलता जुलता था, यू अक्षर का। समाज इनका कैसा था सर, तो मैट्रिचल, मात्र सत्तात्मक, मतलब मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता के समय घर में माताओं की बात ज्यादा मानी जाती थी। और चूंकि ये लोग विदेश ईरान या उस समय के मेसोपोटामिया तक बिजनेस करने जाते थे, तो सभ्यता इनकी कैसी हो गई, शहरी हो गई, ठीक है ना। और सर इस हड़प्पा नगरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी सर, इनका ग्रिड सिस्टम, इनके शहर बनाने के जो तरीके थे, ठीक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय वैक्सीन रोटोवैक ने हाल ही में WHO टेस्ट पास किया है, यह वैक्सीन उत्पादन के लिए बनी है, जिनमें से कौन सी बीमारी है, बताइएगा रोटोवैक किसकी वैक्सीन है। अभी देखो एक बात जरा समझना, कोवैक्सीन हुआ, कोविशील्ड हुआ, स्पुतनिक हुआ, इनका चर्चा, इनकी कंपनी, इनसे रिलेटेड बातें आपकी नजर में अपडेट हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके करंट अफेयर में आ गया रोटोवैक, वहां तो ध्यान ही नहीं जा रहा है। रोटोवैक भैया आपके डायरिया की बीमारी, डायरिया के लिए है। अच्छा टीबी किसकी वजह से होता है, या टीबी में आपका प्रभावित अंग कौन सा है, डेंगू, डेंगू वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, या फिर मेरे भाई प्रोटोजोअल डिजीज है, या बैक्टीरियल डिजीज है। सर डेंगू हो गया आपके, डेंगू को आप बताइए, टीबी, मलेरिया, डायरिया, अच्छा ठीक है, टीबी का मैं बताऊं, डेंगू का आप बताएगा, ये तो मच्छर काटने की वजह से होता है, मादा एनोफिलीज काटने की, बस आपको बताना है ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअल है, या फंगल है। हाँ टीबी में सर लंग्स, फेफड़ा प्रभावित होता है, टीबी सर बैक्टीरियल डिजीज है, टीबी के वायरल बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस है, ठीक है ना, और इसका राइट आंसर डायरिया है। डेंगू का जल्दी से आंसर करके बताइएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं मेरे भाई, मशीन भाषा कभी कभी के रूप में प्रयोग होती है, इसका आंसर ना आवे तो घबराना मत, बी ऑप्शन, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। अगला देखिएगा, पहली बार राष्ट्रपति नियम लागू किया गया था, जरा आपको बताना है कि बेटा पहली बार राष्ट्रपति नियम लागू किया गया था, बताइएगा। सर यदि आपको बताएं तो 1951 में पंजाब में भार्गव मंत्रिमंडल था,
1951 में पंजाब में भार्गव मंत्रिमंडल था, उस समय लगा था राष्ट्रपति वहां पे शासन। हालांकि सबसे ज्यादा बार लगने में उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर पहली बार पूछे तो पहली बार राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत पंजाब में लगा था, उस समय भार्गव मंत्रिमंडल की पतन के कारण। वहां पे भार्गव मंत्रिमंडल था, उसका पतन हो गया तो ये लगा, ठीक है ना। अच्छा, आपको यहां पे कुछ चीजें मैं और बता देना चाहता हूं। राष्ट्रपति का नाम है ना, तो जरा आ जाओ राष्ट्रपति दोहरा ले। राष्ट्रपति के 143 आर्टिकल में क्या आता है, 123 आर्टिकल में क्या आता है, 108 आर्टिकल में क्या आता है, 61 आर्टिकल में क्या आता है, 72 आर्टिकल में क्या आता है, 60 आर्टिकल में क्या आता है, 52 आर्टिकल में क्या आता है, 59 आर्टिकल में क्या आता है, बता पाओगे? ये सब राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। और मैं एक क्वेश्चन में 2 मिनट लेता हूं, सब दोहरवाता हूं, उसका एक मात्र उद्देश्य होता है, चाहूं तो मैं भी आंसर बताऊं और आगे बढ़ जाऊं, लेकिन अगर 7-8 आर्टिकल दोहरा ले तो कौन सा नुकसान हो जाएगा, आप बताइए, क्या कोई नुकसान हो जाएगा? आप कहोगे नहीं होगा तो मैं कहूंगा खेल लो मेरे भैया, आ जाओ यार, ठीक है ना। ये सर 143 में भाई साहब लेते हैं सलाह, जैसे हम लोग कभी नहीं सलाह लेते हैं, हेलो हाँ ये काम हम कर लें, तो उधर से नहीं तुम मत करो, वो तुम्हारा दोस्त बड़ा नालायक है, वो तुमको हमेशा घूमने ले जाता है, ये समझ रहे हो ना, इधर से कौन बोल रहा है, या फिर इधर से कभी आवाज जाता है मैं आज घूमने जा रही हूं, मैं चली जाऊं, तो इधर कहां तुम जाओगी घूमने के लिए। तो ये जो सलाह विचार है राष्ट्रपति का, वो किसके अंतर्गत है, वो है आपके 143 123। इसमें तो भैया जी लोग जब गुस्सा हो जाते हैं तो अध्यादेश जारी करते हैं, तुम्हारी हिम्मत कि तुम वहां चली जाओगी, या तुम्हारा हिम्मत कि तुम वहां हो के आ गए। तो ये जो है ऑर्डिनेंस है या अध्यादेश है, पूरे शक्ति के साथ जब राष्ट्रपति जारी करते हैं अध्यादेश। अच्छा 108 जब दोनों लोग कहीं बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खा लें और अच्छे से बात कर लें तब होता है 108। मतलब सर लोकसभा और राज्यसभा एक साथ जब बैठ के संयुक्त बैठक करें राष्ट्रपति बुलाएं। सर 61 महाभियोग, आपका फोन का चैट पकड़ा गया, आपकी फोन की बात पकड़ी गई, तो घर वाले लगा देते हैं महाभियोग कि तुम अब मेरे लड़के रहने लायक नहीं हो, अपने पद से हट जाओ, तुम अब मेरी लड़की रहने लायक नहीं रह गई हो, अपने घर से निकल जाओ, तो उसे कहते हैं मेरे भाई महाभियोग, ठीक है ना। क्या कहते हैं, तो आप लोग के, अच्छा कितने लोग के ऊपर महाभियोग लगा है और कितने लोग उसमें फेल हो गए हो, कितने लोग पास हुए, ईमानदारी से बताओ किसके किसके ऊपर आर्टिकल 61 घर में लग चुका है। जिसके ऊपर लगा है वो झट से कमेंट में लिखे आर्टिकल 61, और जो उसमें से बच के निकल गया वो लिख दे पी, और जो उसमें से 2 जूता खा के निकला वो लिख दे एफ, एफ मतलब फेल, पी मतलब पास, अब जरा बताइएगा, ठीक है ना। आर्टिकल 72 घर वाले क्या दे देते हैं, जाओ बेटा इस बार माफ किया, अगली बार पार्क में पकड़े गए तो गए तुम्हारी लंका लग गई, क्षमादान राष्ट्रपति का। 60 हम लोग भी क्या करते हैं, शर्त रखते हैं राष्ट्रपति के पदों की शर्त कि अगली बार मम्मी पापा ऐसा नहीं करेंगे, और फिर हम लोग कुत्ते की पूंछ की तरह वही काम करते हैं जो शायद मम्मी पापा कहते हैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, लेकिन नहीं हम लोग तो शर्त शपथ शर्त इसमें तो हम लोग शपथ लेते हैं, सॉरी इसमें हम लोग शपथ लेते हैं कि बिल्कुल अब हम ये काम नहीं करेंगे। 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा ऐसा लिखा हुआ है, और मेरे भाई 59 में राष्ट्रपति के पदों की शर्त है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के पदों का शर्त है। अगला क्वेश्चन चलो, तो इसका ये आंसर, अंतर्राज्यीय परिषद किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। हिंट इसमें से दे दूं कि अंतर्राज्यीय परिषद किसके द्वारा, एक बार आपके कमेंट जरा मैं देखना चाहता हूं, तो आप कहोगे सर अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित किया जाता है आपके ए ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति पे बहुत बात हो गई, इनका हम लोग पीछा आज छोड़ देते हैं, अगले पे आ जाओ। चूना पत्थर है, अच्छा कितने लोग गांव में इस वाले पोजीशन में मिलते हैं चूना लेके, तो भैया वही चूना नहीं है ये, चूना पत्थर क्या है मेरे भाई, चूना पत्थर एक क्या है, तो बेसिकली एक तलछटी चट्टान है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अनोखा पहला अपनी तरह का तैरता हुआ बाजार पश्चिम बंगाल के किस शहर में आया है, याद रखना, यदि पश्चिम बंगाल आए दोस्त तो ये वाला लिख लो कि पश्चिम बंगाल में है 3 बीघा गलियारा, निश्चित पूछता है कि 3 बीघा गलियारा कहां है। अतुल सर के शब्दों में ब्रह्मा का लिखा हुआ आसान सा प्रश्न जो अक्सर जीडी में पूछा कि 3 बीघा गलियारा कहां है, तो भैया आपके कहां है, पश्चिम बंगाल में, और तैरता हुआ बाजार कहां है, तो सी ऑप्शन मेरे भाई
कोलकाता में। कोलकाता को हम लोग राजाओं का शहर कहते हैं, ठीक है ना, राजाओं का शहर या महलों का शहर, ठीक है ना। कोलकाता को हम लोग महलों का शहर कहते हैं ना, राजाओं का थोड़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको थोड़ा याद रखना हो। अगला, माइटोकांड्रिया को सेल का घर क्यों कहा जाता है? पता नहीं क्यों कहा जाता है, फर्जी टाइप का प्रश्न है। अब बताओ हम लोग को क्या मतलब, चुपचाप यहां पे सेल्स है, हम लोग सेल्स का उपयोग कर रहे हैं, क्यों कहा जाता है, क्या है कहा जाता है, भगवान जाने मेरे भाई। सर अच्छा एक चीज बताओ, पावर हाउस का वो यातायात प्रबंधक, ठीक है ना, जरा ये बताना, यातायात प्रबंधक, पावर हाउस का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, ये भी आपको बताना है। तो सर माइटोकांड्रिया को सेल का घर कहा जाता है, ये एटीपी को संश्लेषित करता है। सर सेल की खोज किसने की? सेल मतलब वो बैटरी वाला टार्च वाला नहीं, सेल मतलब कोशिका। सर कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ठीक है ना, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है, ये भी आपको बताना है मेरे भैया। तो चलिएगा दोनों का आंसर करिए। सर यातायात प्रबंधक हम लोग कहते हैं गोल्जी काय को या फिर गोल्जी बॉडी को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सेल की खोज सर रॉबर्ट ब्राउन चाचा ने की थी, जब ये ब्राउन हो रहे थे 1665 में, तो इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज कर दी। सर कोशिका सिद्धांत दो लोग थे, एक मेरे भैया थे स्लाइडेन, ठीक है ना, एक हुआ करते थे स्लाइडेन और एक इन्हीं के मोहल्ले के हुआ करते थे स्वान। स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने मेरे भाई किसकी खोज की थी, तो वो दोनों मिलकर के कोशिका सिद्धांत की खोज किए थे। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड द्वारा किस हिंदी शब्द को वर्ष का शब्द घोषित किया गया है? ये ओल्ड एमसीक्यू है, ठीक है ना, ये आपके पेपर का ओल्ड एमसीक्यू है, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी जीडी में आएगा। और इस बार का तो हमको लगता है कोविड-19 या फिर क्वारंटाइन, क्वारंटाइन शब्द जो है डिक्शनरी में आना चाहिए। इसका आंसर है मेरे भाई आधार, ये तब का क्वेश्चन है जब आधार कार्ड बनवाना मैंडेटरी हुआ था, तो उस साल आधार 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 ही चला था। अगला, नेशनल लिबरल फेडरेशन के अरे मत जा भाई, मत जा भाई, मत जा भाई, देख रहा हो ना अपने मन है कूद रहा है। अब आंसर तो ए लग गया है, तो मैं इसमें क्या कहूं जब आंसर ए लग गया है। और जरा एक बात यार, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बड़ा खतरनाक सा कुछ पड़ा हुआ, इसको जरा देख ले कि ठीक है ना, इसको जरा देख लेते हैं। नेशनल लिबरल फेडरेशन के संस्थापक कौन थे? नेशनल लिबरल फेडरेशन के संस्थापक आपके कौन हुआ करते थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अच्छा, राजा राम मोहन राय का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन एक इनसे खूब पूछा है, तो उसको देख लो, राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल कहाँ पे है, ये आपको बताना है। साथ ही साथ मेरे भाई, राजा राम मोहन राय के अलावा आपको एक और कुछ बताना है, जैसे राजा राम मोहन राय ने को इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, जो आपके जीडी के पेपर में खूब आता है। सर राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है ना, अकबर ने नहीं, अकबर द्वितीय ने दी थी। समाधि स्थल इनका कहां है सर? ब्रिस्टल में है, ठीक है ना, ब्रिस्टल में। ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में पड़ता है मेरे भाई, और एवन नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है ना। और ये भी कभी कभी पूछता है कि राजा राम मोहन राय के कब्र के बगल में किसकी कब्र है, तो मदन लाल धींगरा का नाम जरूर याद रखना, ठीक है ना, मदन लाल धींगरा, ये भारत के महान लोगों में से एक है मदन लाल धींगरा जी। अगला क्वेश्चन देखो, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? बताइएगा किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया फ्रेमवर्क, भाई वो मंत्रालय है आपका ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड उद्योग, ठीक है ना, उद्योग मंत्रालय, ठीक है, लिबर्टी और समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को कहां से उधार लिया गया है, बताइएगा, ठीक है ना, जरा इसका आंसर बताना मेरे भाई। ये लिबर्टी उबर्टी से रिलेटेड जो है वो कहां से लिया गया है? अरे यार, मैं जिस हिसाब से आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ बहुत धीमे आ रहा है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर वेयर करके इसको आगे बढ़ा लो मेरे भैया, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो। अच्छा, तो यहाँ पे सर इसका आंसर तो वैसे है फ्रांस। जरा ये बताना, ये खूब पूछता है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चंस खूब रहेंगे आपके, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, किसके समय हुई थी, ठीक है ना। और एक खूब पूछता है, मैं ही राज्य हूँ ऐसा किसने कहा था? मैं ही राज्य हूं ऐसा किस शासक ने कहा था? फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी, किस राजा के समय हुई थी? जरा ये तीन बात हैं जो फ्रांस से रिलेट करके पेपर में आता है। सर
यदि फ्रांस की क्रांति की बात करेंगे तो सर 1789 ईस्वी में, यदि सर राजा की बात करेंगे तो लुई 16वां, ठीक है ना, लुई 16 के समय हुई थी। इन्होंने फंडामेंटल राइट नहीं दिया था तो इनको फ्रांस की जनता ने चौराहे पे ले जाके फांसी पे लटका दिया था। और मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है, ये है लुई 14वां, ठीक है ना, लुई 14वां ने कहा था, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है, ये लुई 14वां ने कहा था। वो नहीं माहिष्मती पिक्चर में आया था, वो क्या उन लेडी का नाम था, उन्होंने कहा था कि मैं ही माहिष्मती का नियम हूं या तीन हूं या तूफान हूं। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर राज्य को अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दिया गया था, ठीक है ना सर, वो 370 था। जम्मू और कश्मीर से न सिर्फ 370 समाप्त हुआ है, 35 ए भी समाप्त हुआ है, ठीक है ना। यहां के पहले इसमें वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा मनोज सिन्हा जी, ठीक है ना, मनोज सिन्हा जी यहां के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे पहचाना जाता है, जरा बताइएगा, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे पहचाना जाता है। तो आप कहोगे, ठीक है ना, एक बात आपसे मैं ये कहना चाहूंगा यार मेरे भाई, जरा अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे, यार मैं ना बीच में बोलना नहीं पसंद करता, मुझे लगता है 59 मिनट आपको पढ़ाने के लिए मिले हैं, न कि ये कहने के लिए कि लाइक करो शेयर करो। तो यार ये जिम्मेदारी आप खुद से भी उठा सकते हो ना, मेरा समय आप इसमें मत खत्म करवाइए प्लीज। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो देख लो, करीब 4600 लड़के लाइव हैं लेकिन लाइक 2500 है, तो क्या एनर्जी कम लगा रहा हूं या कम इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या क्वेश्चन का कलर अच्छा नहीं, मतलब कुछ तो ऐसा गड़बड़ होगा दोस्त। तो प्लीज सपोर्ट द लेक्चर। भारतीय संविधान के पिता के रूप में सर पिता तो हुआ करते थे भीमराव अंबेडकर, इनकी लिखी हुई एक किताब जरूर याद रखना मूक नायक, इनकी लिखी हुई किताब मूक नायक बहुत ज्यादा फेमस है। इनसे संबंधित है मेरे भाई चैत्र भूमि, ठीक है ना, चैत्र भूमि। इनसे संबंधित है मेरे भाई दीक्षा भूमि, ठीक है ना, इनसे संबंधित है दीक्षा भूमि। और इनके समाधि स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, जरा ये भी बताइएगा। देखो चैत्र भूमि दीक्षा भूमि मैंने आपको बता दिया, क्या इसी में समाधि स्थल छुपा है या कोई और है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। अब देखो यहां पे यदि आप लाइक करके 5000 पहुंचाएं तो मैं सारे संविधान संशोधन आपको यही पढ़ा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 35वां, 36वां, 52वां, 61वां, 86वां, 92वां, ठीक है ना, 92वां, इतने संविधान संशोधन जरा हमें बताओ तो ये किससे रिलेटेड हैं, 73वां, 74वां, ये संविधान संशोधन किस किस चीजों से रिलेटेड हैं। अब मैं आपको एक 42वां, ठीक है ना, 42वां को तो सबसे ज्यादा ये याद रखना, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान भी कहा जाता है। 35वां मेरे भाई आपके सिक्किम को, किसको, सिक्किम को मेरे भाई सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और मेरे भाई इसमें 36वां में उसी सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, पूर्ण राज्य का। 52वां में मेरे भाई दल बदल, ठीक है ना, दल बदल का कानून है। 61वां में मेरे भाई 18 वर्ष वोटिंग एज कर दिया गया था 21 वर्ष की जगह। 86वां में मेरे भाई 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात है, ठीक है ना, शिक्षा के बारे में बात है। और 92वां में मेरे भाई 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, डोंगली, संथाली, बोडो, मैथिली। 73वां में सर पंचायती राज का जिक्र है, 74वां में सर नगर निगम का जिक्र है। तो नगर निगम ये सब अगर आप दोहराते रहोगे ना, विश्वास करना कम समय में ज्यादा चीजें आपको पूरी एनर्जी के साथ, सिर्फ इसलिए चाहूं तो मैं बहुत रिलैक्स वे में बोल सकता हूं, मुझे कई लोग सलाह देते हैं सर आप आराम से पढ़ाओ, लेकिन यार आराम से पढ़ाने में ना एक घंटे में ना शायद 50 इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा, ये तो रिवाइज करवा रहा हूं ना, कौन सा यहां पे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं या कौन सा कोई आपको थियरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगला देखिएगा, तो इसका आंसर है 1951। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है ना, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा 1837 ईस्वी में द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा बसाया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है ना, तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी। अगला क्वेश्चन, एक पंक्ति में 6 अन्नदाताओं का समूह पाया गया है, जरा बताइएगा एक पंक्ति में, ठीक है ना, 6 अन्नदाताओं का समूह पाया गया है, आंसर करके बताइए। तो आप कहोगे सर एक पंक्ति में 6 अन्नदाताओं का समूह की यदि बात होगी तो बताओ जरा कहां पाया गया है,
ठीक है, बताइएगा आंसर करो इसका क्या होगा। पसीना होने लगता है यार एक लिमिट के बाद ना, जब एसी शाम को वर्क करना धीमे हो जाती है तो ये। वैसे एक पंक्ति में छह अन्नदाताओं का जो समूह है भाई वो पाया गया हड़प्पा। हड़प्पा से मेरे भाई याद रखना R37 भी पाया गया है और H टाइप भी पाया गया है। ये दोनों क्या हैं? तो सर ये दोनों कब्रिस्तान हैं, ठीक है ना, ये दोनों कब्रिस्तान हैं। ये जरूर पूछता है। लोथल को सर हम लोग मिनी हड़प्पा भी कहते हैं, आप जरा समझना, और लोथल को सर हम लोग मिनी मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लोथल से सर चावल के दाने प्राप्त हुए थे। लोथल से सर बंदरगाह, देखो ये दोहराओ जो मैं बोल रहा हूं, बंदरगाह प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो सर मोहनजोदड़ो से नृतक की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मैं इसलिए सिर्फ सुना दे रहा हूं कि आपको रिवीजन हो जाए। मोहनजोदड़ो से सर सभा भवन प्राप्त हुआ था, सभा भवन प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से सर अन्नागार प्राप्त हुआ था, अन्नागार प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से सर सभा भवन, नृतक की मूर्ति, अन्नागार और बृहद स्नानागार, ठीक है ना, ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ था, स्नानागार प्राप्त हुआ था। कालीबंगन से सर जुते हुए खेत, ठीक है ना, जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे। कालीबंगन से सर काली चूड़ियां, ब्लैक बैंगल्स प्राप्त हुई थी, ठीक है ना, काली चूड़ियां प्राप्त हुई थी। कालीबंगन से सर आपके काली चूड़ियां, जुते हुए खेत, और उसके अलावा अग्निकुंड भी प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? अग्निकुंड। कोई 5000 के करीब स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट ये कहने की स्थिति में है कि सर आपने जो इंफॉर्मेशन दिया उससे पेपर में नहीं पूछता, बताओ? और अगर दोस्त पूछता है और समझ में आ रहा है कि आशुतोष सर ने क्या क्या दोहरवा दिया एक क्वेश्चन में, तो एक लाइक तो सभी से बनता है, ठीक है ना। तो यार आज मैं लाइक से ज्यादा आपसे यही कहना चाहूंगा, शेयर थोड़ा अच्छे से करो, ठीक है ना, शेयर थोड़ा अच्छे से करो। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्त। सिकंदर सानी की उपाधि किसने अपनाई थी? हर क्वेश्चन में मात्र मुझे एक मिनट दिया करो, मैं पूरा टॉपिक दोहरवा के रख दूंगा। सर सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन को थी। सर इसे एक और नाम से जाना जाता था, द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। इसने सर गढ़ी कर शुरू किया था। अब देखो जो मैं बोल रहा हूं उसको सिर्फ ध्यान से सुनते रहो, बहुत पूरा दोहरा जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी गढ़ी कर शुरू किया था। इसने सर चराई कर शुरू किया था। इसने सर हुलिया प्रथा शुरू किया था, हुलिया प्रथा शुरू किया था। इसने सर दाग प्रथा शुरू, दाग या हुलिया, ठीक है ना, दाग प्रथा, नहीं नहीं ये दोनों अलग अलग है भाई, दाग प्रथा शुरू किया, हुलिया प्रथा शुरू किया। इसने सर नगद वेतन शुरू किया था। इसने सर स्थाई सेना का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, स्थाई सेना। इसने सर सीरी का किला बनवाया, सीरी का किला बनवाया। इसने सर हौज खास बनवाया, ठीक है ना, हौज खास बनवाया। इसने सर जमयत खाना मस्जिद बनवाया, जे से जमयत, खे से खाना, जमयत खाना मस्जिद बनवाया। इसने सर अलई मीनार बनवाया, अलई मीनार। इसने सर अलई दरवाजा बनवाया, अलई दरवाजा बनवाया। इस व्यक्ति के समय सर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, ठीक है, इस व्यक्ति के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। इस व्यक्ति ने सर आपके सिद्दीकी सिकंदर, सिकंदर एहसानी के अलावा सर इसे जनता का चरवाहा भी कहा गया। इसी व्यक्ति को सर युग का विजेता भी कहा गया। क्या कहा गया? युग का विजेता भी कहा गया। इसी व्यक्ति को सर विश्व के सुल्तानों का सुल्तान कहा गया, सुल्तान का सुल्तान कहा गया। जब मैं ये वीडियो करके खत्म कर दूंगा दोस्त ना, तो इस इंफॉर्मेशन को दोबारा देखना। एक राजा का पूरा ऑपरेशन ये है कि नहीं, उम्मीद करता हूं कि जितने लड़के यूट्यूब पे पढ़ते होंगे या ऑफलाइन, जब एक बार देखेंगे कि यार एक मिनट में अलाउद्दीन खिलजी कैसे कवर होते हैं, तो उनको वैल्यू समझ में आएगी कि जीएस पढ़ना और पढ़ाना किसे कहते हैं। ये मैं आपके माध्यम से, अपने दोस्तों के माध्यम से, यूट्यूब पे जितने भी आप लोग लेक्चर देखते हो ना, कंपेयर करना यार कि आशुतोष सर की क्या मजबूरी है कि उनको जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। नहीं, यही क्वेश्चन कई लोग वीडियो बनाएंगे और कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मात्र 20 मिनट में। भाई ये 2 मिनट में होता है, क्यों 20 मिनट स्टूडेंट का खराब करें? होता है कि नहीं, दोहराए कि नहीं, इसी को वो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इसी का वो क्वेश्चन बना देंगे। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अच्छा इसका आंसर तो दे दिया ना, ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, क्या एक बजट अधिशेष की कमी हो सकती है? बिल्कुल भैया,
हस्तांतरण भुगतान में वृद्धि, यह एक ऐसा क्वेश्चन था ना जो मतलब मुझे लगा कि यार जीडी में नहीं पूछना चाहिए था इसको। अगला क्वेश्चन, एचटीएमएल कोड लिखने के लिए आपको किस प्रोग्राम की आवश्यकता होगी? सर हमें आवश्यकता होगी नोट पैड की, ठीक है ना। अगला देखिएगा, नवलीनागा मंदिर राष्ट्रकूट ज्ञानशाला के अमोघ वर्ष निर्मित 9वीं शताब्दी के 9 मंदिरों का समूह किस राज्य में स्थित था? अब जरा बताना, मुख्य पूछना रहा चाह रहा है नवलीनागा मंदिर राष्ट्रकूट वंश, दो चीजें हम लोग इसमें दोहरा सकते हैं। सर इसका आंसर सही है कर्नाटक, ये वही कर्नाटक है मेरे भाई जहां पे यक्षगान नाम का लोक नृत्य होता है, ठीक है ना, जहां पे कुर्ग पड़ता है, जहां पे बांदीपुर पड़ता है, ये वही कर्नाटक है। और अगर मेरे भाई हम लोग बात कर देंगे इस राष्ट्रकूट वंश की, यार एक बार जरा सब लोग लाइक वाइक करके यार थोड़ा अच्छा माहौल बनाओ यार, ठीक है ना, अच्छा माहौल बनाओ तो मजा आ जाए, ठीक है ना, राष्ट्रकूट वंश की। अच्छा एक बात, मंदिर है ना, एक जरा बताना, मैं जीडी के 2-3 मंदिर पूछ देता हूं जो एग्जाम में पूछा है, जरा बताना मान मंदिर कहां पड़ता है, मान मंदिर कहां पड़ता है, विष्णुपद मंदिर कहां पड़ता है, ठीक है ना, विष्णु पद मंदिर ये कहां पड़ता है मेरे भाई। अच्छा जितने लोग अभी लाइव हो यार, ठीक है ना, विष्णु पद मंदिर, और एक मंदिर जीडी में पूछा लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पड़ता है जरा ये बताइएगा, ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण मंदिर, विष्णु पद मंदिर, मान मंदिर। सर मान मंदिर पड़ता है ग्वालियर में, विष्णु पद मंदिर पड़ता है सर गया बिहार में, और सर लक्ष्मी नारायण मंदिर पड़ता है दिल्ली में, नई दिल्ली में लक्ष्मी नारायण मंदिर पड़ता है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। अगला क्वेश्चन आते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद द्वारा की गई थी, हाँ ठीक है, कहां पे की गई थी, ठीक है, विवेकानंद से आपसे 5-7 क्वेश्चन बनते हैं कि इनको विवेकानंद द्वारा कहां की गई थी, सर कलकत्ता में। एक क्वेश्चन बोलेगा इनको स्वामी की उपाधि किसने दी थी, स्वामी विवेकानंद को स्वामी किसने कहा था। उसके अलावा विवेकानंद शिकागो किस वर्ष गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, ठीक है ना, विवेकानंद को एक और बड़े फेमस नाम से जाना जाता है वो क्या है, इनकी किताबों का नाम, ठीक है ना, जैसे कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग, ये सब जैसे इनकी अगर किताब की बात करोगे दोस्त तो कर्मयोग, ठीक है ना, उसके अलावा इन्हीं की किताब है विवेकानंद जी की ज्ञान योग। विवेकानंद जी को मेरे भाई याद रखना, तूफानी हिंदू भी कहा जाता है, तूफानी हिंदू। इनको किसने स्वामी की उपाधि दी थी, महाराज खेतड़ी ने, कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है महाराज खेतड़ी, शिकागो में ये कहे थे 1893 ईस्वी में, ठीक है ना, इतने क्वेश्चन आपके विवेकानंद जी से पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ठीक है ना, ये रामकृष्ण परमहंस जी काली जी के उपासक थे, विवेकानंद के गुरु जो थे वो काली जी के उपासक हुआ करते थे, ठीक है ना मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, भारत ने हाल ही में अपने सबसे तेज कंप्यूटर का अनावरण किया है, उसका नाम क्या है, जरा बताइएगा, भारत ने सबसे तेज कंप्यूटर का अनावरण किया है, उसका नाम है मेरे भाई प्रत्युष, ठीक है ना, क्या नाम है, प्रत्युष। अगला देखिएगा, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, बताइए यार, मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे। देखो जोड़े में पूछा है तो तुम सिंगल में मत बता देना, ठीक है ना, वो जोड़े में पूछा हुआ है तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, सबसे ज्यादा गुणसूत्र एस्केरिस में पाए जाते हैं, ठीक है ना, चलेगा, ये क्वेश्चन हुआ। अच्छा यहां पे अगर हम लोग बात करें कि 23 जोड़े सबसे ज्यादा, अरे यार एस्केरिस में तो सबसे कम पाया जाता है, ठीक है ना, मैं गलत बोल गया था, एस्केरिस, ठीक है ना, एस्केरिस में तो सिर्फ 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है अगर ये पूछ दे तो टेरिडोफाइट्स करके होता है यार, और टेरिडोफाइट्स में करीब 1300 से लेकर के 1600 के बीच में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 1300 से लेकर के 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। खरगोश चूहा इन दो का भी पूछता है, तो याद रखना यार, जो जीडी में पूछा बस मैं उसी से मतलब रखता हूं इस समय, खरगोश और चूहा का पूछता है, इन दो का आपके पेपर में पूछ चुका है, और ऐसे रैंडम क्वेश्चन किसी को नहीं याद होते हैं कि खरगोश और चूहा, मेरे भाई याद कर लेना, खरगोश में पाया जाता है आपके 44 जोड़े और चूहा में पाया जाता है 40 जोड़ा। अच्छा ये जो गुणसूत्र शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया, ये आपके एमटीएस के पेपर का क्वेश्चन है, याद रखना
क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र का प्रयोग वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1888 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। वाल्डेयर ने कब किया था, 1888 ईस्वी में किया था, याद रहेगा सभी को मेरे भाई। और हाँ, जल्दी जल्दी अब क्वेश्चन करो क्योंकि अब आ गया है टेस्ट देने का समय, ठीक है ना। अब टेस्ट देने का समय आ गया है। अगला क्वेश्चन, जब पृथ्वी अपनी परिधि में घूम पहुंचती है तब, सर जब पृथ्वी अपनी परिधि में पहुंचती है तो सूर्य के सबसे निकट होती है, अपक्षय प्रक्रिया जिसके द्वारा, सर इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, उजागर चट्टाने बिखर जाती है एक्सप्लोजन के द्वारा, निम्नलिखित में से कौन इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। सर इनपुट, सर स्पीकर से तो आउटपुट मिलेगा, जॉयस्टिक सम इनपुट एएलयू, ठीक है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये यार कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। प्लॉटर से भी आपको मिल जाएगा लेकिन एएलयू से नहीं। निम्नलिखित में से किस शासक ने मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लाहौर की मोती मस्जिद को एक रत्न भंडार में बदल दिया था। अच्छा, शाहजहां ने जो एक मोती मस्जिद मेरे भाई दिल्ली में भी है, और दिल्ली वाली मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, लाल किले के अंदर औरंगजेब ने बनवाया था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई महाराजा रणजीत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, मैं 50 क्वेश्चन पे जल्दी से पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद आपका लाइव टेस्ट शुरू होगा, आज होगा आपका लाइव टेस्ट, जल्दी से 50 पे पहुंचो। भारत में महिलाओं के लिए स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय, करंट अफेयर की क्लास में आओगे मेरे भाई तो ये सब पता चलता रहेगा। 8 AM पे मैं डेली करंट अफेयर पढ़ाता हूं। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी, सर कन्नौज की लड़ाई 1540 में, और सर आपके चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी आपके यहां पे सर पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, इस सन में सर पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है, सर 14 जून को मनाया जाता है। अगला, भारत में तोपखानों का पहली बार प्रयोग सर हुआ था पानीपत के युद्ध में 1526, तालीकोटा का युद्ध 1565, सियालकोट का युद्ध और खानवा का युद्ध, आप लोग आज के होमवर्क में बताएंगे, ठीक है ना, सियालकोट और खानवा। चलिए अगला देखिएगा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार विश्व की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो विश्व की शीर्ष यूनिवर्सिटी है मेरे भाई मैसाचुसेट्स। नेक्स्ट, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय पूछा है ना, राजगोपालाचारी। अगला, 105वें पुलित्जर पुरस्कार में पब्लिक सर्विस के लिए, मैं 50वें क्वेश्चन तक बहुत तेजी से जाने वाला हूं, फिर मुझे 10 मिनट का टेस्ट लेना है, जल्दी से, ए ऑप्शन द न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला, दिल्ली भारत की राजधानी कब बना, सर 1911 में बना, दिल्ली दरबार में बना। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, यार कई बार हम लोग सुबह 8 बजे की करंट अफेयर में पढ़े हैं, सर आंसर है 14। अगला, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, क्या, तो भैया आपके SN बनर्जी। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जारी किया है, सर न्यूजीलैंड ने किया है, उन देश बंधु के नाम से, सर देश बंधु हैं आपके CR दास, जबकि दीन बंधु हैं CF एंड्रूज, देश बंधु के, ये हो गया। अगला, डीप ओशियन मिशन की घोषणा किस देश ने की है, सर डीप ओशियन मिशन B ऑप्शन भारत ने किया है। अब शुरू होगा GD का लाइव टेस्ट, मात्र 10 मिनट बचे हैं, रेडी हो जाइए। मैंने शनिवार को टेस्ट नहीं लिया था लेकिन अब शुरू होगा टेस्ट। टेस्ट के नियम जो लोग नए हो जान लें, गलत करने पे -1/4 या फिर 0.25 आपको ईमानदारी से अपना नंबर काटना होगा। जो दोस्त सही करेंगे सही क्वेश्चन के 1 मार्क हैं, नहीं आते हैं तो मेरा सलाह होगा स्किप करिएगा। आज 25 क्वेश्चन का जो GS का फॉर्मेट है आपका GD का, उसी फॉर्मेट पे टेस्ट होगा, और इस 25 क्वेश्चन में जो 20+ लाएगा वो GD में मान ले कि उसकी तैयारी बहुत 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 अच्छी है। तो एक बार लाइक करके बताइए कि क्या आप लाइव क्लास में लाइव टेस्ट के लिए तैयार हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। सबसे बड़ी बात कि सब लोग एक दूसरे के कमेंट देखते रहेंगे कि कोई बेईमानी ना कर पावे। शुरू करें, 7:51 हो रहा है, इसका मतलब अगले 8 मिनट में आपके सामने 25 क्वेश्चन, करीब करीब हर मिनट में 3 क्वेश्चन। एक बार भारत माता की जय बोलिए और लाइव टेस्ट शुरू, लाइव टेस्ट स्टार्ट किया जाए। भारत माता की जय जल्दी कमेंट कर दो। पहला क्वेश्चन, देश की प्रथम महिला बैंक की स्थापना कहां की गई थी। अब जरा ये कर, ये टेस्ट लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और शनिवार को इसलिए नहीं लिया कि सरप्राइज टाइप का हो जाए। सर
क्योंकि एक मिनट में तीन क्वेश्चन पूछना, इसलिए जल्दी से आंसर आएगा नई दिल्ली में, ठीक है। जिसका सही हो एक नंबर, जिसका गलत हो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। 8 मिनट का यह लाइव टेस्ट है, यह बात याद रखिएगा, ठीक है ना, 8 मिनट का। तो सर इसका आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले बोल दिया था कि आप क्या हैं ऑप्शंस के हिसाब से राष्ट्रपिता। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रति सहित किस वर्ष किया था? बताइएगा, मतलब प्रति सहित मतलब जिसको ना समझ में आ रहा हो रद्द है, नकल नहीं मारना, ईमानदारी से टेस्ट देना है। 7 मिनट और हैं आपके टेस्ट में। इसका आंसर होगा मेरे भाई डी, 1911 तृतीय दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की थी किस व्यक्ति ने निर्धारित की थी? यार आज इसीलिए मैंने कहा है कि 20 क्वेश्चन से ज्यादा आपके 25 में सही होने चाहिए, तभी बात बनेगी। भारत व पाकिस्तान की सीमा, आंसर है मेरे भाई बी, सर रेडक्लिफ ने, आंसर है सर रेडक्लिफ ने। अगला क्वेश्चन, Na2CO3 × 10H2O क्या है? भाई साइंस भी तो आपके पेपर में रहना है, ऐसा थोड़ी है कि टेस्ट सीरीज में साइंस नहीं आएगा। यार एक बार जरा अच्छे से शेयर करिए। इसका आंसर होगा मेरे भाई ए ऑप्शन, धुलाई का सोडा। हिमांशु कह रहे हैं श्वेता तुम आंसर दो। अरे मेरे हिमांशु आप भी आंसर दो, मैं तो तुम्हारा ये कमेंट पढ़ा कि श्वेता तुम आंसर दो, हिमांशु काहे नहीं आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन 5, अगला, ध्वनि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न वेग से यात्रा करती है। सर ध्वनि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस वेग से यात्रा करेगी? तो 330, हालांकि एग्जैक्ट होना चाहिए था 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन सबसे नजदीकी ऑप्शन को ही आप टिक कर सकते हैं और वो है आपका 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है मेरे भाई। यार एक बार अगर ये टेस्ट अच्छा लग रहा है ना, मेरी एनर्जी के लिए दिल से एक बार शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल सतह के खुदरापन के साथ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में साइंस में रहेंगे जो बड़े नॉर्मल होंगे और आपको करने होंगे। आंसर है मेरे भाई बढ़ने से बढ़ता है, घर्षण बल सतह के खुदरापन बढ़ने से बढ़ता है। बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है, तो योग करिए, स्वस्थ रहिए। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ना आवे तो स्किप कर दो, लेकिन गलत नहीं करना है मेरे भाई, गलत नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट को। देखो कितने अच्छे, कुछ इसमें मुरारी मिश्रा ने स्किप कर दिया, बहुत बढ़िया मुरारी। डी ऑप्शन ऊर्जा, हालांकि मैं जानता हूं आप पिछला क्वेश्चन स्किप किए थे। अगला, यदि हम एक इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित करें तो हम क्या पाएंगे? अच्छा क्वेश्चन पेपर कैसा लग रहा है, जो सारे सब्जेक्ट का मिक्स आ रहा है, बताइए। यदि हम एक इंद्रधनुष के रंगों को मिश्रित करें तो हम क्या पाएंगे? सर सी ऑप्शन, हम रंगहीन प्रकाश पाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक थक्के में सहायक है? ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सा घटक सहायक है? यार जरा जल्दी से एक बार शेयर करो, मेरा आप सबसे ईमानदारी से दिल से रिक्वेस्ट है। 7:55 हो रहा है यार, 7:58 पे यदि हम लोग पूरी क्षमता लगा देंगे दोस्त तो 7000 स्टूडेंट भी हो जाएंगे, लेकिन ये हमारी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से मैं आपके लिए अपने जीएस के लेक्चर को शेड्यूल किया हूं मेरे भाई, आप भी एक बार ईमानदार, मैं 8 बजे तक करेक्ट लेके जाऊंगा लेक्चर को, ठीक है ना, लेकिन एक बार शेयर करके आ जाओ यार, 20-30 सेकंड मेरे लिए दे दो यार, ठीक है ना, 20 सेकंड में शेयर करके आ जाओगे और एक बार लाइक कर दो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आयनिक यौगिक सामान्यतः दोनों रखते हैं, ये क्वेश्चन टफ है, ये वो कर पाएंगे जो साइंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ते होंगे, वो लूसेंट वाली और इधर की पढ़ के तो भैया बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको चाहिए थोड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड स्केलर बॉन्ड। अगला, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, जनरल सा क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आप कहोगे सर मानव के शरीर की बात कर रहे हो, बड़ी ग्रंथि की बात कर रहे हो, लल्लन टॉप बी ऑप्शन, उसका लीवर होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ता है, सर जब जीडी नहीं निकलता है तो घर वालों का दाब बढ़ जाता है, और इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? दाब बढ़ता है गहराई बढ़ने के साथ, ठीक है ना, आप समुद्र की गहराई में एकदम चलते चले जाओ, उसका प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन है, बताइएगा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन इसमें से कौन सा है? मेरे भाई मेरे बंधु जल्दी जल्दी करो, इसका आंसर है मेरे भाई बी, विटामिन डी, जिसे हम लोग कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, जिसे हम लोग
एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं, जिसे हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इतना कुछ, कौन कौन सा सर? एंटी रिकेट्स, सनशाइन विटामिन और आपके हाँ सनशाइन विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन और विटामिन डी तो कहते ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने नेट उपयोग की गति को आप किससे प्रभावित करते हो? आप लोग डेली इंटरनेट उपयोग करते हो मोबाइल पे, तो आप क्या कहते हो कि आपके नेट की गति किससे परिभाषित होती है? मात्र 3 मिनट और बचा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। इसका राइट आंसर होगा सर डी, 3 मिनट और 10 क्वेश्चन, हर मिनट में 3 क्वेश्चन, मैंने पहले ही कहा था। हाल ही में खोले गए पृष्ठों और चित्रों को स्टोर करने के लिए एक वेब ब्राउजर द्वारा उपयोग की गई अस्थाई स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर भी आपके जीडी में 1-2 नंबर पूछेगा, लिख के दे देता हूं, भले तुम लोग कंप्यूटर ना पढ़ रहे हो, उसको हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। अगला, 24 घंटे पाइप से करंट अफेयर भी पूछेगा। 25 क्वेश्चन का जो मेरा फॉर्मेट होता है दोस्त, वो ऐसा फॉर्मेट है कि आपको पूरे सब्जेक्ट का लाइव टेस्ट देने को मिले। 24 घंटे पाइपलाइन से शुद्ध पेयजल प्राप्त करने वाला पहला शहर पूरी हो गया है, और पहला वाटर प्लस शहर कौन है? तो वो इंदौर है। इसी तरीके का करंट अफेयर डेली सुबह 8 AM पे मैं पढ़ाता हूं, सोमवार से शनिवार। SSC अड्डा चैनल पे बने रहो, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे करंट अफेयर डेली चलती है। अगला, भारत का 39वां विश्व विरासत स्थल कौन बना है? आज के मात्र 2-3 महीने पहले 39वां विश्व विरासत स्थल कौन सा बना है सर? रुद्रेश्वर मंदिर, तेलंगाना। अगला, देश का पहला हरित औद्योगिक शहर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? स्क्रीनशॉट रखा करो ऐसे क्वेश्चंस का, मेरे टेस्ट पेपर का PDF रखा करो, मदद मिलेगा। ए ऑप्शन कांडला। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर एहसानी आज ही पढ़े और आज ही आ गया? सर इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, 20 क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा जबरदस्त तरीके से। विश्व मैनग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? लाइव टेस्ट, लाइव रिजल्ट, लाइव स्टूडेंट, बताओ। विश्व मैनग्रोव दिवस सर ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइएगा। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेरे भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, वर्ष 2021 के लिए विश्व जल समाधि निरोध दिवस कब मनाया गया है? विश्व जल समाधि, तो भैया विश्व जल समाधि निरोध दिवस 25 जुलाई को मनाया गया है, ठीक है, 25 जुलाई। अगला देखिएगा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया गया था? सर मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था मेरे भाई? ए ऑप्शन 1908 में। और लास्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सर आगरा शहर की स्थापना की थी आपके डी ऑप्शन, सिकंदर लोदी ने। टेस्ट स्टॉप, सभी लोग टेस्ट स्टॉप करो, करेक्ट 8 बज गए और टेस्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। अब जिनके जिनके 25 में 20 प्लस हो भाई वो 20 लिखें, जिनके जिनके 17 से 20 के बीच में है दोस्त, आपको मेहनत की जरूरत है ताकि आप फाइट में हो, लेकिन मेरे भाई जीडी का पेपर आसान आएगा, कट ऑफ हाई जाएगा, ये आप देख लेना, ये मैं अभी से बोल रहा हूं। उसके अलावा जो लोग मेरे भाई 15 से कम पाए हैं, वो अपनी मेहनत को दुगनी स्पीड से बढ़ा दें, दुगनी स्पीड से बढ़ा दें, क्योंकि 16 नवंबर दूर नहीं है, ठीक है ना। 16 नवंबर